स्टूडेंट लीटर बर्ड इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। अपने ने चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी का की अपने ने पेज नंबर 2 तक देखा। अब पेज नंबर 3 के बुद्धिराम का लड़के की सगाई होती है यानी तिलक होता है। वहाँ पे बूढ़ी काकी खाने को जाती है मगर उनकी वाइफ यानी बुद्धिराम की जो पत्नी है रूपा वो उनको डांट कर भगा देती है। अब बुद्धिराम का क्रोध। बुद्धिराम बूढ़ी काकी को आया हुआ देखकर आग बबूला हो उठता है। आग बबूला होना यानी वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। वह लपट कर आता है और बूढ़ी काकी को तेज दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक आता है। अब बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी को दंड देने का निश्चय करते हैं। यानी बुद्धिराम जो है वो गुस्से वाला है। वो आता है और पता चलता है कि काकी खाने के पास जाके बैठ गई थी खाने के लिए। इसके लिए उसको गुस्सा आता है और आके तुरंत उनका हाथ पकड़कर अंधेरी कोठरी में पुर देता है और उनको सबक सिखाने का सोच रहा है। अब बुद्धिराम की जो लड़की होती है लाडली वो चिंता में आ जाती है। उसको जो क्योंकि उसको बूढ़ी काकी से प्यार है लगा हुआ है। आमंत्रित मेहमानों घर वालों बाजे वाले धोबी नाई सबने भोजन कर लिया लेकिन बूढ़ी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने नहीं पूछा। लाडली इससे बहुत दुखी होती है। उसने अपनी हिस्से की पूरियां बूढ़ी काकी को खिलाने के लिए अपने पास सुरक्षित रख ली है। वह इन्हें बूढ़ी काकी को देगी पर वह अपनी माँ के डर से उनके पास नहीं जा रही थी। यानी लाडली ने छुपा के पूड़ियाँ निकाल दी थी मगर उसके पापा और माँ के डर से वो पूड़ियाँ देने काकी के पास नहीं जा रही है। बूढ़ी काकी इंतजार करके करके निराश हो गई। ग्लानिंग से उनका गला भर आता था यानी वो रोने के लिए मन उनका भरा है मगर वो रो नहीं सकती थी रो नहीं पा रही थी पर डर के मारे वे भी नहीं पा रही थी। जब सब सो गए तो लाडली बूढ़ी काकी के पास पहुंची। उसने बूढ़ी काकी से कहा कि वह अपने हिस्से की पूड़ियाँ लाई है वे खा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी काकी पूड़िया पर टूट पड़ी और 5 मिनट में सारी पूड़िया खा लेती। वे लाडली से कहती है कि वह अपनी माँ से और पूड़िया मांग कर लाए पर माँ के मानने से डर से लाडली इनकार कर देती है। यानी छुपके से 2-3 पूड़िया लाडली लेके जाती है मगर उनसे उनका पेट भरता नहीं है मगर वो झपट चपट के खाना शुरू कर देती है क्योंकि उनको तो भूख लगी थी इसके लिए वो खाना शुरू कर देती है। मगर वो ज़्यादा पूड़िया नहीं ला सकती थी क्योंकि माँ उसको डांटे देख ले तो इसके लिए वो छुपके से जितनी पूड़िया लाई थी उतनी वो खिलाती है। बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी उसे रहा नहीं गया। वे लाडली का हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचती जहाँ झूठे पत्तल पड़े थे यानी मेहमान जो खा के चले गए थे वहाँ पे झूठे यानी बचा कुचा जो खाना पड़ा था जिसको अपने एठवार बोलते गंदा बचा हुआ खाना वहाँ पे वो जाती है और वहाँ पे वो बैठ जाती है और जो थालियाँ पत्तल से जो पूड़िया है झूठे टुकड़े तथा पतलों पर से जो व्यंजन उठा उठा कर जो बचा कुचा खाना होता है वो खाती है। तभी सो हुई रूपा की नींद कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ आने से रूपा उठ जाती है देखती है बाड़ी में से तो लाडली उसकी चाची के साथ यानी बूढ़ी काकी के पास बैठी हुई है और बूढ़ी काकी पत्रों से खाना चुन चुन के वो खाती है। बूढ़ी काकी की ऐसी हालत देखकर उसका हृदय विदायक यानी रोने जैसा हो गया। वो सन्न हो गई उसमें दया आ गई करुणा और भय से उनकी आंखें भर आती यानी वो रोने जैसी हो जाती। उसे लगता है कि वह कितनी निर्दयी है। वह मन ही मन में अपनी इस भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है। रूपा दिया जलाती है यानी घर में आके वो दिया जलाती है और भंडार का दरवाज़ा यानी किचन का दरवाज़ा खोलती है रसोई का दरवाज़ा खोलती है उसमें से थाली निकालती है और जो भी खाना बचा हुआ अच्छा पड़ा हुआ था किचन में वो सब अच्छी तरह थाली में सजाती है और बूढ़ी काकी के पास जाके उनको खाने के लिए वो देती है।
उनको खाने के लिए देती है और वो बोलती है कि मैंने जो गलती की है वो गलती मेरी माफ़ करो और भगवान करे कि आज के बाद मैं ऐसी कभी गलती ना करूँ। उसको ऐसा लगता है कि बूढ़ी काकी को हर महीने जितने रुपए आते उसमें से हमारा घर चलता है, फिर भी मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जो गलती के लिए लायक नहीं है, यानी भगवान मुझे मेरे अपराध को क्षमा करे। और वो प्रार्थना करती है और बूढ़ी काकी को क्षमा मांगती है। बूढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है। रूपा को देखकर वो क्षमा कर देती है रूपा को और वो भोले बच्चे की तरह रूपा की गलती को क्षमा करके वो बच्चे की तरह खाना खा लेती है। उसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सदिशाएँ निकल रही थी, यानी रूपा रो रही थी और बूढ़ी काकी के मन में से सब वैर भाव दूर हो गए और वो प्यार से खाती है। एक्सरसाइज के लिए शब्दार्थ एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट MCQ, एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4 आपको ये होमवर्क में करने का है। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर। चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट पार्ट।